मूवी की शुरुआत होती है जर्मनी के खेतों में, जहां पर ऐना नाम की औरत कुछ पका रही होती है। तभी जोसेफ नाम का एक आदमी भागकर उसके पास आता है। उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, इसलिए वो ऐना से हेल्प मांगता है। ऐना अपनी गुफा का दरवाजा खोलकर उसे अपने बेसमेंट में छुपा लेती है। पुलिस के जाने के बाद ऐना जब उठती है तब वो देखती है जोसेफ तो नमकीन पानी पी रहा है। इसके बाद ये दोनों लोग यहाँ से चले जाते हैं और साथ में रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद इनकी एक बेटी भी होती है, जिसका नाम ये एग्नेस रखते हैं। इसके बाद एक दिन पुलिस जोसेफ को पकड़ने वाली होती है, लेकिन वो नदी में कूद जाता है और उसके बाद से ही उसका कुछ पता नहीं चलता। लेकिन वो नदी में कूदने के बाद अमेरिका चला जाता है और वहाँ पर एक अमीर आदमी बन जाता है। कुछ सालों के बाद हम ऐना और एग्नेस को देखते हैं, जो बाजार में अपना सामान बेचकर गुजारा कर रही थी। एग्नेस अपने कजिन जैन से प्यार करती थी और साथ ही साथ वो अल्फ्रेड नाम के बंदे से भी प्यार करती थी, जो एक जर्मन शेफ होता है। इन तीनों के कांड से एक बच्चा पैदा होता है, जिसके बारे में एग्नेस को भी पता नहीं था कि आखिर ये बच्चा है किसका। ये लोग उसका नाम ऑस्कर रखते हैं। पैदा होने के बाद से ही ऑस्कर चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। एग्नेस ये देखकर ऑस्कर से कहती है, अगर तुम चुप हो गए तो मैं तुम्हें 3 साल की उम्र में एक ड्रम लाकर दूंगी। ये सुनते ही ऑस्कर चुप हो जाता है। ऐसे ही 3 साल गुजर जाते हैं और एग्नेस उसे एक ड्रम लाकर देती है। फिर ऑस्कर का बर्थडे था और ऑस्कर देखता है घर में हर तरफ हुस्न का मेला लगा हुआ है। ये सब देखकर ऑस्कर सोचने लगता है, मुझे कभी बड़ा ही नहीं होना। फिर ऑस्कर मरने के लिए एक बेसमेंट में आ जाता है, लेकिन वो वहाँ पर मरता नहीं, बस उसकी बॉडी हमेशा के लिए 3 साल की ही रह जाती है। मतलब वो हमेशा के लिए बौना ही रह जाता है और वो अपने टूटे हुए ड्रम को खुद से कभी भी अलग नहीं होने देता। जो भी उसके ड्रम को छीनने की कोशिश करता है वो जोर से चिल्लाता है और आसपास के कांच को तोड़ देता है, जिससे हमें पता चलता है उसके अंदर एक अलग तरीके की पावर भी आ गई थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और ऑस्कर अब 6 साल का हो चुका था, लेकिन उसका साइज वही था और अब वो स्कूल में पढ़ने जाने लगा था। लेकिन अभी भी जो भी इसके ड्रम को छीनने की कोशिश करता था वो चिल्लाकर कांच को तोड़ देता था। हर कोई इस बात से परेशान था, आखिर इसके पास ये पावर कहाँ से आ गई। लेकिन एग्नेस सिर्फ इस बात से परेशान थी, आखिर ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा। इसके बाद हम देखते हैं एग्नेस हर फ्राइडे को बाजार करने के लिए जाती थी, लेकिन वो ऑस्कर को एक दुकानदार के पास छोड़कर जैन से मिलने के लिए जाती थी, जहाँ पर वो दोनों मिलकर टपाटप करते थे। लेकिन एक दिन ऑस्कर को टपाटप करने का सिस्टम पता चल जाता है। इसके बाद कुछ साल और गुजर जाते हैं और अब ऑस्कर 12 साल का हो चुका था और ये लोग एक सर्कस देखने आए थे, जहाँ पर एग्नेस बौने लोगों को परफॉर्म करता हुआ देखकर समझ जाती है उसका बेटा भी बौना ही है। सर्कस खत्म होने के बाद ऑस्कर बैबरा नाम के एक बौने से मिलता है, जो ऑस्कर की इस पावर को देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और ऑस्कर को अपने साथ काम करने के लिए इन्वाइट करता है। तभी वहाँ पर एग्नेस आ जाती है और वो ऑस्कर को यहाँ से लेकर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं जिस दुकान पर एग्नेस ऑस्कर को छोड़कर जाती थी, उस दुकान का आदमी भी एग्नेस से प्यार करने लगा था और वो भी उसकी बजाना चाहता था, लेकिन एग्नेस उसके मुंह पर थूक कर चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद एग्नेस को पता चलता है वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा जैन का है। इस बात को लेकर वो टेंशन में आ जाती है और वो टेंशन में कच्ची मछलियाँ भी खाने लगती है, लेकिन उसके हस्बैंड अल्फ्रेड को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता ये बच्चा किसका है। वो सिर्फ एग्नेस की खुशी चाहता था। एग्नेस ने जब से ऑस्कर को पैदा किया था तब से उसे खुशी नहीं मिली थी और इस वजह से वो इस बच्चे को भी पैदा नहीं करना चाहती थी। फिर एग्नेस की हालत खराब हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं ऑस्कर अपना ड्रम ठीक करवाने के लिए जैन के साथ एक दुकान पर आता है। ये उस टाइम की बात थी जब जर्मनी पोलैंड पर हमला करके उसे अपने कब्जे में लेना चाहता था, लेकिन पोलैंड जर्मनी पर हमला कर देता है और इस हमले में जैन की मौत हो जाती है, लेकिन ऑस्कर इस हमले से बच जाता है। इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं अल्फ्रेड घर में काम करने के लिए एक लड़की को हायर करता है, जिसका नाम मारिया होता है, जो घर के काम करने के बाद ऑस्कर का भी ख्याल रखती है। ऑस्कर को मारिया से प्यार हो जाता है और अल्फ्रेड के घर से जाने के बाद ये दोनों धमाल मचाते हैं। मारिया को भी इस समय बहुत मजा आ रहा था। फिर कुछ टाइम बाद ऑस्कर को पता चलता है अल्फ्रेड यानी उसके बाप का मारिया के साथ चक्कर चल रहा है। मारिया अल्फ्रेड से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अल्फ्रेड सिर्फ मारिया का इस्तेमाल कर रहा था। मारिया बहुत रोने लगती है, ऑस्कर उसे सहारा देने के लिए उसके पास आता है, लेकिन मारिया उसे बौना बोलकर लात मारती है। फिर कुछ दिनों बाद मारिया प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन ऑस्कर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से ऑस्कर मारिया के बच्चे को मारने की कोशिश करता है,
लेकिन मारिया ऐसा नहीं होने देती। कुछ दिनों के बाद मारिया एक लड़के को जन्म देती है। फिर इनके घर में पार्टी होती है, लेकिन ऑस्कर इस बात से थोड़ा सा भी खुश नहीं था। फिर इसके बाद हम उसी बौने को देखते हैं जो सर्कस में काम करता था, जो वर्ल्ड वॉर टू की वजह से बहुत ही अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर ये ऑस्कर को अपनी टीम में आने के लिए इन्वाइट करता है, क्योंकि ये पेरिस में अपनी टीम के साथ परफॉर्म करने वाला था। फिर ऑस्कर इनकी टीम को ज्वाइन कर लेता है और अपने टैलेंट की वजह से पेरिस में सभी लोगों को एंटरटेन करता है। इसके बाद हम देखते हैं ऑस्कर को अपनी ही टीम की एक लड़की रोजमिता से प्यार हो जाता है। ऐसे ही काफी टाइम गुजर जाता है और हम देखते हैं अब ऑस्कर अपनी लाइफ को बहुत ही एंजॉय कर रहा था। फिर एक दिन इन पर अमेरिकी सेना हमला कर देती है और इस हमले में रोजमिता मारी जाती है। ये देखकर ऑस्कर बहुत ही सैड हो जाता है। इसके बाद ऑस्कर अपने घर पर आ जाता है और वो मारिया के बेटे को वैसा ही ड्रम गिफ्ट करता है जैसा उसकी मॉम ने उसे दिया था। ऑस्कर के वापस आने पर मारिया बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन अल्फ्रेड बहुत ही खुश था। फिर अल्फ्रेड ऑस्कर को उन लोगों से भी छुपा कर रखता है जो लोग ऑस्कर को इलाज करने के लिए हॉस्पिटल लेकर जाने वाले थे, क्योंकि अल्फ्रेड को नहीं लगता ऑस्कर एबनॉर्मल है। शहर में चारों तरफ युद्ध का माहौल था और अल्फ्रेड अपनी पूरी फैमिली को बेसमेंट में छुपा कर रखता है। फिर एक दिन रशियन सिपाही बेसमेंट पर हमला कर देते हैं, जिस हमले में अल्फ्रेड मारा जाता है। ये देखने पर मारिया और ऑस्कर बहुत रोते हैं। फिर अगली सुबह अल्फ्रेड की दुकान पर एक आदमी आता है और वो उस दुकान को अपने कब्जे में ले लेता है और अल्फ्रेड का फ्यूनरल करने में इनकी हेल्प करता है, क्योंकि हाल ही में उसने भी अपनी फैमिली को खोया था। फिर ऑस्कर को समझ में आ जाता है अल्फ्रेड के अलावा इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं था। फिर वो डिसाइड करता है अब वो बड़ा होगा और अल्फ्रेड के साथ साथ अपने ड्रम को भी दफना देता है। फिर उसे कहीं से एक पत्थर आकर लगता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर एक आदमी बताता है ऑस्कर अब बड़ा होने लगा है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं एना को छोड़कर सभी लोग इस सिटी को छोड़कर जा रहे थे। तभी ऑस्कर को पता चलता है अब उसके चिल्लाने की पावर भी जा चुकी है। लास्ट सीन में एना को उसी खेत के साथ दिखाते हुए मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।